तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन बेसिकली करंट का देखेंगे, ठीक है? करंट का डायरेक्शन। एनी हाउ, करंट का डायरेक्शन कैसे? ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल लो, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव क्या है, वो पता कर लेंगे, तब भी हो जाएगा करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अब बेसिकली हमें ईएमएफ निकालना है, डन। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉयल ले लेते हैं। दैट इज, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉयल है। कॉयल बेसिकली आपका सोलिनॉइड वाला कॉयल बनाया मैंने, बहुत सारे कॉयल्स हैं इसमें, ये बातें क्लियर है? इस तरह बहुत सारे कॉयल्स हैं, डन। इस तरह ये देखो, यहाँ से एक कॉयल ये रहा, फिर यहाँ से सेकेंड कॉयल, थर्ड कॉयल, ऐसे करके बहुत सारे कॉयल हैं, डन। अब इसमें जैसे ही मैं करंट के फ्लो को स्टार्ट करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे करंट के फ्लो को स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे धीरे 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 करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो धीरे 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 करंट देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, डन। ए ऐसे करंट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा है पेपर के नीचे की तरफ, तो ऐसे करंट जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे हाथ घुमाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनते रहेगा, नॉर्थ टू साउथ। इस तरह करके इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ते रहेगा, 0 से 1, 1 से 2, ऐसे करके बढ़ते रहेगा करंट का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एक एक जो एरिया है उसमें लिंकेज बढ़ेगा, लिंकेज बढ़ेगा तो एक उसमें एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वही हमें इस बार निकालना है कि कितना इंड्यूस्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे, तो फैराडे के अनुसार जो ईएमएफ लिंक्ड होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। हियर हियर इन केस ऑफ ए इंडक्टर दैट इज आपका सोलिनॉइड, हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू एल आई, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, हमने निकाला था फाई इज इक्वल टू एल आई। क्या किया था हमने, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई हटाया था तो एल आई आया था ना। यहाँ पे अगर डालेंगे ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ आपका एल आई, डन। एल क्या है, कोफिशियंट है, दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, बाहर निकालेंगे हम तो माइनस एल डी आई बाई डी टी रहेगा। दैट इज ई एम एफ प्रोड्यूस्ड, ई एम एफ प्रोड्यूस्ड मतलब बैक ई एम एफ, क्या बैक ई एम एफ दैट इज इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल, प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल, ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करंट कितना चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूस इन द कॉयल डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ तक बातें क्लियर है, करंट के चेंज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या है, समझो। ये जो इंडक्टर है, सपोज मैंने इस पर स्विच को ऑन किया, स्विच को जब मैं देखो जब मैं स्विच को ऑन करने वाला था तब करंट जीरो था, फिर धीरे धीरे ये मैक्सिमम करंट तक पहुंचा, दैट इज 10 एम्पेयर तक पहुंचा। जब शुरू किया था तब टाइम भी क्या था, जीरो था, तब मैंने वॉच स्टार्ट नहीं किया था। मैंने देखा इसको जीरो से, देखो इसको 10 एम्पेयर तक करंट पहुँचने में इसको टाइम लगा कुछ 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज़ करंट फाइनली 10 पहुंच गया, पहले 0 था, टाइम फाइनली 0.1 सेकेंड पहुंचा, पहले 0 था, दैट इज़ 10 अपॉन 0.1, दैट इज़ आपका 100 आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 100 है। तो ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि एल क्या है, कोएफिशिएंट है, उसको हम पहले निकाल लेंगे। ये बातें क्लियर है? तो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर चेंज कितना हो रहा है। ये बातें क्लियर है, डन। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस्ड हुआ था ना, या फिर आपका जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ था उसका टर्मिनल क्या है। यहाँ पॉजिटिव बना था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव बना था, डन। इसको भी कंप्लीट करते हैं, दैट इज डायरेक्शन। इस वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, ईएमएफ तो हमने निकाल लिया इतना आया, अब हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। अब देखो, सिमिलरली दो केसेस लूँगा। ये पहला टर्न पेपर के अंदर में घुसने वाला है, अभी अंदर घुसा बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, ऐसे करके एक सोलिनॉइड है मेरे पे, यहाँ मैंने बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पे एक स्विच है, डन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और केस ले लेंगे, ये अंदर गया बाहर आया, पेपर के अंदर घुसा, ठीक है? अभी पेपर के अंदर घुस रहा है कॉयल, पेपर से बाहर आ रहा है, अभी अंदर घुस रहा है पेपर के, पेपर से बाहर, अंदर घुस रहा है बाहर आ रहा है, अंदर घुस रहा है बाहर आ रहा है पेपर से, ठीक है? ऐसा हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे सेम सोर्स लगाया, सेम, ठीक है? अब देखो, बेसिकली जब मैं इसको क्लोज कर रहा था, जब मैंने इस की को क्लोज किया, दैट इज क्लोजिंग ऑफ की, जब मैं की को क्लोज कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये क्लोज हुआ इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ,
जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा, दैट इज़ कैसा, करंट पेपर के अंदर घुस रहा है, तो ऐसे करके करंट घुस रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है। ये बातें क्लियर है? आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा देखने मिल रहा है, ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ इनसाइड द कंडक्टर। डन। अभी इस केस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करंट का वैल्यू मैक्सिमम 10 तक पहुँचेगा। जैसे जैसे 10 तक पहुँचेगा तो इसके अंदर में क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। तो फ्लक्स को अपोज कैसे करेगा, अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि इसको कैंसिल आउट कर ले। तो अपोजिट में बनाना है तो ऐसा बनाना होगा, इस तरफ नॉर्थ बनाना है तो ऐसे बनाएगा। क्या बात है, क्लियर है? ऐसा ऊपर आएगा, ऐसे बनाएगा। तो ऐसे बनाएगा मतलब क्या, यहाँ ऊपर में, ऐसे ऊपर में करंट आ रहा है। डन। ऐसे ऊपर में करंट आ रहा है मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल वो बनाएगा। ये बातें क्लियर है? तो ऐसा बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा, तो इस तरफ में वो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाना शुरू करेगा। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आया ना, ये इनके बीच में इंड्यूस DMF होगा और करंट ऐसे फ्लो होगा। डन है? तो जब हम लोग की को क्लोज कर रहे हैं, देन जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF अपोज द करंट, इंड्यूस्ड EMF बोलो या फिर इंड्यूस्ड जो करंट हुआ है ना, वो क्या करेगा, अपोज करेगा द करंट, कॉजेज इट। इस बार वो इस करंट को ही अपोज करेगा। करंट को कैसे अपोज करेगा, बाय अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। डन है? रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। डन। अभी जब वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट, समझ रहे हो ना, इनडायरेक्टली किसको अपोज करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, जिसकी वजह से करंट अपोज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। ये बातें क्लियर है? सिमिलरली जब हम इस की को, यहाँ हमने इसको क्लोज किया, अभी हम इस की को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्लोज था, अभी इसको ओपन कर रहे हैं, दैट इज़ ओपनिंग ऑफ कीज। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे करंट स्मूथली फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ बेसिकली पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके फील्ड फ्लो हो रहा है, दैट इज़ ऐसे आपका नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर में करंट का वैल्यू अगेन कम होना शुरू करेगा, तो इसके अंदर क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो एक कॉयल चाहेगा अपने अंदर में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, तो उसको सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट, इस बार ऐसे सपोर्ट करेगा क्योंकि अपने अंदर में उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना ही है। सपोर्ट करने के लिए कैसा बनाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस केस में जब वो सपोर्ट करेगा, तब वो इस केस में अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में करेगा, दैट इज यहाँ से यहाँ। यहाँ करने के लिए क्या करेगा, सेम टर्मिनल बना लेगा, दैट इज पॉजिटिव ए नेगेटिव सेम बना लेगा। डन। क्यों, क्योंकि ऐसे इसको करंट फ्लो करवाना है, जैसे यहाँ से अंदर जाना पेपर के अंदर, तो सेम बना लेगा। डन। तो याद रखना, जब हम कीज को ओपन कर रहे थे, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या फिर जो करंट होगा, दैट इज बैक करंट, इसका नाम भी है बैक करंट, सपोर्ट द करंट। इस बार करंट को सपोर्ट कर रहा है, कैसे, बाय सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें क्लियर है? डन है? तो ये था इसका, ऐसे हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं। और इसमें से बेस्ड एक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, उसमें से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग को इसमें और बेटर कर देगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ऐसे एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगाया जाता है, यहाँ एक पोटेंशियल सोर्स, यहाँ पे एक इंडक्टर लगाते हैं, इट इज कॉइल जो सेल्फ इंड्यूस्ड हो सकता है। अब क्या होता है, आपसे पूछता है, जब इस, यहाँ पे एक स्विच होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच होता है, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा कि नहीं, तो पूछते हैं। तो याद रखना, एट द स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे इस स्विच को हमने क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो करंट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा या तो मैं यहाँ से जाऊँ, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो क्या करेगा, जब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जैसे ही इसके अंदर करंट जाने वाला है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ये बातें क्लियर है, यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा। डन। यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होने वाला है, और इंड्यूस्ड होने के कारण ये इसको अपोज करेगा। ये जो EMF यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, ये तो आपको पता है ना, इनिशियली अगर ये पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको अपोज करेगा तो वो ऐसे बनाएगा। डन। ऐसे बनाएगा। डन। जैसे ही ऐसे बनाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, तो जैसे धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास होना, इस बल्ब से पास होना शुरू करेगा, और यहाँ पे बल्ब को ग्लो करेगा। ये बातें क्लियर है? डन। तो क्या होगा, एट द स्टार्ट बल्ब विल ग्लो, स्टार्टिंग में बल्ब ग्लो करेंगे,
उसके थोड़ा देरी बाद क्या होगा, करंट फिर भी जाते 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 एक टाइम में क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपना मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू दैट इज म्यू नॉट एन आई के बराबर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद और उसमें चेंज नहीं होगा, और जैसे ही उसमें चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा उसके बाद जैसे ही इसके अंदर पूरा करंट जाना शुरू कर देगा और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच चुका है, उस केस में फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई बैक ईएमएफ नहीं बनने वाला है। जब बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तो यहाँ से जो भी करंट जाएंगे, क्योंकि उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा कि एक लोड है, यहाँ से नहीं जाएगा वो, उसको क्या दिखेगा, यहाँ पे कॉपर वायर है खाली, तो इस कॉपर वायर से जाना रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन बल्ब विल नॉट ग्लो, जब ये सारा करंट इसमें से जाएगा क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पहुंच चुका है, फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका है, तो उस केस में करंट यहाँ से जाना प्रिफर नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस है, सारे करंट यहाँ से पास होंगे। इन बिटवीन बल्ब विल नॉट ग्लो, क्यों, बिकॉज ऑल करंट, सारे करंट किसमें से पास होगा, करंट विल पास फ्रॉम इंडक्टर, डन, इंडक्टर से सारे करंट पास होंगे, ये बातें क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, जब हम इस स्विच को ओपन कर लेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो सपोर्ट करने के लिए ऐसा सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज़ यहाँ प्लस बनाएगा, यहाँ माइनस बनाएगा, तो जैसे ही यहाँ प्लस यहाँ माइनस बनाएगा तो यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट होगा, जैसे ही ईएमएफ क्रिएट होगा यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ में फ्लो होना शुरू करेंगे, डन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू करेंगे, दैट इज अगेन when opening the switch bulb will glow, ग्लो तो करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बल्ब ग्लो नहीं होता है, फ्यूज ही हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्लो और फ्यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्यूज होता है। होता क्या है, बेसिकली जब ये डिक्रीज हो रहा होता है ना, देखो अपोज करने में उतना दिक्कत नहीं है जितना खींच के रखने में दिक्कत होता है इस केस में। अब इस केस में जब वो डिक्रीज हो रहा होता है ना, तो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट करके वो उसको रिटेन करना चाहता है, और उस केस में यहाँ पे एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्रिएट कर देता है और मैक्सिमम टाइम में बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कभी भी इंडक्टर के पैरेलल में कोई चीज़ों को कनेक्ट मत करो, दिख रहा है ना पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल कनेक्ट मतलब क्रिएट होगा ना, दैट इज़ इसके अक्रॉस अगर मान लो 600 या फिर 700 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया, सेम पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी लगने वाला है, डन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में कितना 220 वोल्ट का पोटेंशियल ही अप्लाई होता है, ये बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कभी भी कोई इंडक्टर दैट इज़ कोई कॉयल वाला चीज़ के पैरेलल में कोई चीज़ों को कनेक्ट मत करो। इसलिए आपको फ्रिज का लाइन, वो सारे लाइन आपको अलग सेपरेटली दिखता है, उसका जो प्लग पॉइंट होता है ना, इवन उस प्लग पॉइंट में दूसरा कोई चीज़ को भी हम नहीं डालते, क्यों, क्योंकि ये सारे चीज़ ख़राब करने के लिए माहिर है। ये बातें क्लियर है, तो ये हमने देख लिया ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस एंड इसके डायरेक्शन, और हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया है, ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ड्राइव करेंगे कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो तब तक के लिए गुड बाय।